दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं आपका दोस्त प्रदीप मलिक आपके अपने YouTube चैनल हेल्थ विद प्रदीप में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसे आप सभी को पता है कि मैं आपके लिए हेल्थ से रिलेटेड नई नई वीडियो लाता रहता हूं। आज मैं जिन भाई बहनों की नाभ हड़ जाती है, ये नाभ होती है जब ये हड़ जाती है, पेट गड़बड़ करने लगता है, ब्लोटिंग होने लगती है, गैस बनने लगता है, तो आज मैं नाभ जिसे धरण भी बोलते हैं उसे सही करने के कुछ तरीकों के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिससे आपकी नाभ अपनी जगह आ जाएगी और आपका पेट पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। पुराने बुजुर्ग मिसाल देते हैं कि अगर नाभ नली हट जाते हैं, नाभ अपनी जगह से हट जाती है, तो पेट में अपच की प्रॉब्लम, गैस, ब्लोटिंग, खाने का हाजमा ना होना, भूख ना लगना, ऐसी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। तो ये नाभ हमारी अपनी जगह पे होनी चाहिए। तो नाभ को ठीक करने के लिए मैं कुछ आपके उपाय के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसके करने से आपकी नाभ पूरी तरह से ठीक हो जाएगी, आपका पेट बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा कैसे हम अपनी नाभ को अपने घर पर ही ठीक कर सकते हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमें खड़े हो जाना है और खड़े होकर अपने हाथ को ऐसे ऊपर उठा लेना है और हाथों से अपने अंगूठों को छूना है। जैसे आप देख पा रहे हैं, ऐसा करने से दोस्तों हमारे पैरों की नसों में खिंचाव आ जाता है। जैसे आपको इसमें पैरों की नसों में दर्द होता है, आपको समझ लेना चाहिए कि आपकी नाभ फटी हुई है। इसके लिए आपको 3 से 4 बार करना है। हमें अपने हाथों से अपने पैरों के अंगूठों को छूना है और इस अवस्था में जितनी देर हम रह सकें उतनी देर रहने का प्रयास करना है। ऐसा करने से हमारी जो नाभ है वो ठीक होती है और अपनी जगह आ जाती है। दूसरा तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं जिसके करने से भी हमारी नाभ पूरी तरह ठीक हो जाएगी। हमें बैठ जाना है और बैठकर अपने हाथों से अपने अंगूठों को पकड़ना है। ऐसा करने से भी दोस्तों हमारी नाभ अपनी जगह आ जाती है, हमारा पेट दुरुस्त हो जाता है, ब्लोटिंग की समस्या खत्म हो जाती है, गैस एसिड की प्रॉब्लम से छुटकारा मिलता है। तीसरा स्टेप मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिसके करने से भी आपकी नाक अपनी जगह आ जाएगी। उसके लिए दोस्तों अपने पैरों को 45 डिग्री पर हमें उठा लेना है और इन्हें हम जितनी देर हवा में रख सकते हैं उतनी देर रखना है। ऐसा करने से जो हमारी नाव है वो अपनी जगह बिल्कुल आ जाएगी। तो हमें अपने पैरों को आगे से उठा लेना है और जितनी देर हो सके तो हमें 45 डिग्री पर अपने पैरों को हवा में रखना। जैसा आप देख पा रहे हैं हमें इस प्रकार से अपने पैरों को जमीन से 45 डिग्री पर उठाकर हवा में रखना। उसके बाद तीसरा स्टेप दोस्तों ध्यान दीजिए, जो हमारे पैर हैं, पैरों की जो हमारी ये अंगूठे हैं, इन्हें आगे को चलाना है इस टाइप से। जैसे पैरों पर आप ध्यान दीजिए कि हमें अपने पैरों के पांचों दोनों पैरों के उंगलियों को, पांचों उंगलियों को ऐसे हवा में ऐसे आगे को मोड़ना है और पूरा प्रेशर बनाना है। ऐसा करने से भी दोस्तों हमारी नाव जो धड़न है वो ठीक होती है। ध्यान दीजिए
अपने पैरों के जो दोनों पैरों की जो उंगलियां हैं अंगूठे हैं उन्हें प्रेशराइज करके हुए आगे को मोड़ना है। ऐसा करने से भी हमारी नाव वो ठीक होती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट सबसे लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इस प्रकार को कर, अगर हम ये चौथी जो स्टेप मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसके करने से आपकी नाव 100% ठीक होती है। इसके लिए हमें दोस्तों यहाँ अपने हाथ अपने जो ये गट्टा बोलते हैं हाथ यहाँ से अपने हाथ को ऐसे पकड़ लेना है। इस नस को आप ध्यान से देखिए और इसे ऐसे घुमाने का प्रयास करना है। इसके करने से जो हमारी वेन है जो जाती है जो ये हमारे धड़न को बिल्कुल ठीक करती है हमारा पेट दुरुस्त होता है। तो यहाँ से अपने दोनों हाथों से ऐसे पकड़ना है और इसे ऐसे घुमाना है। दोस्तों इस क्रिया को हमें 5 से 10 मिनट करना है और दोनों हाथों में इस क्रिया को करना है। ध्यान रहे जब हम अंगूठे को हिलाते हैं हाथ को घुमाते हैं तो हमारा जो अंगूठा यहाँ होना चाहिए इस नस पे ये जो नस गई हुई है और पीछे से ऐसे पकड़कर इस हाथ को ऐसे घुमाएं। ऐसा करने से यहाँ हमें अगर हमारे पेट में कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पेन का एहसास होगा और इससे हमारे धड़न जब नस को ऐसे प्रेशराइज करते हैं तो हमारी नाव जो धड़न है वो पेट बिल्कुल ठीक होता है। दोस्तों हम नाक के लिए किसी पेड़ या किसी चीज पर लटक सकते हैं या अगर हम लटक नहीं सकते हैं तो नाक ठीक करने के लिए हमें पंजों के बल और हाथों को सीधा कर लेना है और पंजों के बल खड़ा हो जाना है। ऐसा करने से भी दोस्तों हमारी जो नाक है जो हमारी धड़ है वो बिल्कुल ठीक होने लगती है और अपनी बॉडी को बिल्कुल शेप में लाने का प्रयास करना है। पंजों के बल जितना हम खड़ा हो सकते हैं खड़ा कर सकते हैं और बॉडी को पूरा खिंचाव देना है और फिर लास्ट में अंगूठों को चूम लेना है। उसके बाद ये सारी क्रिया करने के बाद हमें अपने दोनों हाथों को झटकना है और दोनों पैरों को भी झटकना है जैसे आप देख रहे हैं। फिर दूसरी साइड से भी ऐसा करने से दोस्तों हमारी नाभ ठीक हो जाती है और उसके बाद हम अपने अंगूठों को छोड़कर इस अवस्था में नॉर्मल अवस्था में आ जाते हैं। आशा है आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करें। नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम दोस्तों।